शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में। मुझे लगा था मेरी दोस्त मुझे कभी धोखा नहीं देगी, कभी झूठ नहीं बोलेगी, कभी किसी के साथ भी गलत नहीं करेगी। तुमने तुमने मेरे साथ गलत किया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया मेरे साथ? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, कोई धोखा नहीं दिया है मैंने आपको, उल्टा रोशनी से बचाया है आपको, इस परिवार को। रोशनी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। एक मिनट, क्यों नहीं सुनोगे? हाँ बोलेगी वो जो कुछ भी कह रही है वो ठीक कह रही है। रोशनी ना तुम्हारे लायक थी ना इस परिवार के। अरे उसने तो शुरू में ही सोच लिया था कि शादी करके तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए हम सबसे दूर लेकर जाएगी। जिस परिवार से तुम इतना प्यार करते हो उसे वो तोड़ना चाहती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रोशनी ये शादी घर जोड़े रखने के लिए कर रही थी ना कि तोड़ने के लिए। बेटा तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने तुम्हें यह दिखाया है। तुम्हें क्या लगता है कि रितु और हम बेवकूफ हैं जो तुम्हारे शादी के पागलपन को रोकने के लिए श्रद्धा के साथ? मतलब मेरी माँ, तेरी बुआ, सबने मिलके मेरे के क्या मेरे साथ ऐसा? क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा? क्यों दिया? क्यों किया? इसीलिए हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। और वैसे भी ये पहली बार नहीं है कि हमारी बहन ने किसी के पीठ पे छुरा घोंपा है। पहले भी इन्होंने रिश्तों को दांव पे लगाकर उनका भरोसा तोड़ा। अब आप सब कितना भी नाराज हो जाए एक दूसरे से, अब जो हो गया वो हो गया। अभय ने हम सबके सामने श्रद्धा से शादी की और अब श्रद्धा ही उनकी पत्नी। धोखे से की शादी शादी नहीं होती ताई जी। और ऐसे भी जो रिश्ता दिल से ना हो ना उसकी कोई मान्यता नहीं होती है। सब जब इसकी शक्ल देखूंगा ना मुझे इसके दिए धोखे की याद आएगी। बस नफरत करता हूं तुमसे मैं, इतनी नफरत कि तुम्हें एक पल भी इस घर में और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। लेकर जाओ मेरे घर से अभी के अभी। तुमने मेरी रोशनी को घर से निकाला ना, अब तुम निकलो मेरे घर से। बेटा इतनी रात को वो कहाँ जाएगी? बहुत फिक्र है ना आपको इसकी? तो ठीक है मैं इसे खुद इसके घर छोड़ के आऊंगा, पर अब ये मेरे घर पे नहीं रहेगी। एक पल नहीं रुकने दूंगा इसे मैं यहाँ। अबे रुक जाओ। अबे तुमने उसे शादी की है, पति है तुम्हारी, शादी की पहली रात तुम उसे घर से निकाल रहे हो, गलत है ये। अभय बंद करो अपनी बदतमीजी। पापा आज आप बीच में नहीं आएंगे। अभय छोड़ श्रद्धा का हाथ बढ़ना। नहीं पापा जी। भाभी अब हम क्या करेंगे? मैंने तो श्रद्धा को घर से निकाल दिया, वो उसे बाइक के छोड़ने गया,
ये तो होना ही था बुआ जी। श्रद्धा ने जो अभय के साथ किया है उसके बाद उसे क्या उम्मीद थी कि वो इतनी आसानी से उसे माफ कर देगा? तुम कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है वरुण। तुम जो श्रद्धा की बर्बादी पर खुशी खुशी अपनी भड़ास निकाल रहे हो सब समझ रहे हैं हम। लेकिन एक बात तुम भी समझ लो, श्रद्धा ने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, उसने सिर्फ अपने पति से दोबारा शादी की है। और ये अभय को कौन समझाएगा, क्योंकि उसे तो पुराना 10 साल का कुछ भी याद नहीं है, अपनी शादी भी याद नहीं है। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो अब हमारी बहन को इस घर में कभी दोबारा वापस लेकर नहीं आएगा। श्रद्धा बेटा, आप दोनों इस तरह इसमें ये सब? इसका मतलब अभय को सब कुछ याद आ गया? याद आ गया? किस याद की बात कर रही हैं आप? नहीं, मतलब हम ये कह रहे थे कि आप दोनों तो। विश्व जी, संभालिए अपने आप को। मैं यहाँ आपको आपकी बेटी की असलियत बताने आया हूँ। आपकी बेटी जो सच्चाई की बहुत बड़ी मूर्त बनती है ना, इसने धोखे से शादी कर ली मुझसे, और इसके धोखे को मैं अपनी किस्मत कतई नहीं मानूंगा। ये मेरी बीवी नहीं बन सकती है, इसलिए आप अपनी बेटी को संभालिए, क्योंकि इसकी मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है। अभय बेटा, मैं तुम्हारे गुस्से को अच्छी तरह समझता हूँ। बेटा, हम लोग आराम से बैठ के भी बात कर सकते हैं, और तुम्हारी जो भी गलत फहमी है। कोई गलत फहमी नहीं है अंकल जी, इसने मेरे साथ गलत की है, इसलिए आप अपनी बेटी को संभालिए, क्योंकि मेरे घर में इसकी कोई जगह नहीं है। जा रहा हूं मैं यहां से। पापा, मम्मी, वैसे भी देखिए हमारी शादी हो गई है, तो वैसे भी पग फेरे के रस्म के लिए तो मुझे कल आना ही था, तो मैं आज आ गई। जा रहा हूं मैं। अबे बेटा, बात तो सुन लीजिए। और हाँ, कल तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अभय बेटा, अभय, अभय एक बार हमारी बात तो सुन लो। श्रद्धा बेटा, ये अभय क्या बोलकर गए, ये धोखे की शादी है? मम्मी, क्या? मम्मी आप शांत हो जाइए, प्लीज आप शांत हो जाइए। आप दोनों आप आके इधर बैठिए। क्या बोल रहे थे? समझाती हूँ आप दोनों को, आप इधर बैठिए। बेटा पानी देखिए। शादी सब क्या हो रहा है, बहुत चिंता हो रही है। लेकिन उन्हें मनाना कैसे वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मम्मी, 10 सालों में अभय को मैं इतना तो जानती हूँ ना, कि उन्हें मनाते कैसे। पर बेटा, बेटा हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अब चिंता के दिन खत्म हो चुके हैं। अभय की और मेरी शादी हो गई है, और उन्हें मुझे अपनी पत्नी मानना ही होगा। मैं इस शादी को नहीं मानूंगी, वो श्रद्धा मुझसे नहीं जीत सकती। अभय सिर्फ मेरा है, और अगर अगर वो मेरा नहीं हुआ ना, तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। सुनो, होश में आओ, पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।